हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पीवीआर स्टडी। चलिए आज हम बात करते हैं कुछ एक नया टॉपिक का। जैसा कि आप सभी जानते हैं क्लोरोफिल, है ना। चलिए देखते हैं कि क्लोरोफिल क्या होता है। ठीक है, क्लोरोफिल को हिंदी में बोलते हैं हरित लवण। ठीक है, तो क्लोरोफिल के बारे में जानते हैं कि व्हाट इज़ दिस क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, तो चलिए देखते हैं। जैसा कि ये हमारा क्लोरोफिल है, ठीक है, देख लीजिए ये डायग्राम बना हुआ है कुछ इस तरीके से। ठीक है, जो हमारा क्लोरोफिल है। अब क्लोरोफिल के बारे में आपको कुछ पहले से बता दे रही हूँ कि जैसा कि आप सभी को पता है कि क्लोरोफिल का मतलब ग्रीन कलर है ना, या फिर हम कह सकते हैं हरा रंग। ठीक है, क्लोरोफिल में ग्रीन कलर या हरा रंग पाया जाता है, जिसके कारण से पेड़ पौधों का रंग हरा होता है, मतलब कि उनकी पत्तियों का रंग हरा होता है। ठीक है, तो ये जो बना हुआ है डायग्राम, मतलब कैसे आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन ना, लूमेन, ये सभी चीज़ इस पे है, स्ट्रोमा। ठीक है, तो मैं अभी आपको डायग्राम में बताऊंगी कैसे क्या चीज़ है। ठीक है, कौन सा किसकी वजह से होता है, तो चलिए देखते हैं पहले आगे कुछ। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा क्लोरोफिल भी एक प्रकार का कोशिकांग होता है। देख लीजिए आपके स्क्रीन पे लिखा है कि जो हमारा क्लोरोफिल होता है वो भी एक प्रकार का कोशिकांग होता है या एक प्रकार का ऑर्गेनेल्स होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोशिका में हमारे कुछ ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जैसे कि माइटोकांड्रिया, गोल्जी गैंड, लाइसोसोम, राइबोसोम, है ना, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक, है ना, कोशिका। इस तरीके सारी चीज़ें हमारे कुछ ऑर्गेनेल्स कोशिका में पाए जाते हैं, सेल में पाए जाते हैं। इसी प्रकार से एक तरीके से ये भी हमारा जो हरित लवक या क्लोरोफिल है वो भी एक प्रकार का कोशिकांग या ऑर्गेनेल्स है। ओके, ये भी एक कोशिका का बाल्ट है। तो चलिए देखते हैं, क्लोरोफिल एक प्रकार का ऑर्गेनेल्स होता है जो सुकेंद्री पादप कोशिका में और शैवाली कोशिकाओं में पाया जाता है। ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाता, केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, पादप सेल में पाया जाता है और शैवाल कोशिका में पाया जाता है, मतलब कि एल्गी में। ठीक है, हरित लवक प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, जो हमारा क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल मतलब हरित लवक प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इनका हरा रंग इनमें पर्णहरिम क्लोरोफिल रसायन ओके होने के कारण है। ठीक है, मतलब कि जो ये हरे होते हैं उनका यही कारण है कि ये रसायन, ठीक है, मतलब कि जब ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं तभी इनका रंग क्या हो जाता है, पर्णहरिम या क्लोरोफिल रसायन के कारण हो जाता है। ओके, जो प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण अत्यावश्यक है और ये नील हरित शैवाल नाम के जीवाणुओं से हरित लवक का विकास हुआ था। नील हरित शैवाल मतलब कुछ शैवाल हमारे होते हैं, ठीक है, जैसे कि नॉस्टॉक, एनाबिना, ठीक है, नील हरित शैवाल, ऐसे और भी बहुत सारे शैवाल हैं। तो ये जो नील हरित शैवाल होते हैं, ठीक है, उनसे उनके जीवाणुओं से, मतलब कि उनके नाम के जीवाणुओं से हरित लवक का या क्लोरोफिल का विकास हुआ था। ओके, चलिए बात करते हैं क्लोरोफिल की संरचना के बारे में। क्लोरोफिल की संरचना किस तरीके से है, चलिए देखते हैं। क्लोरोफिल की संरचना की बात करें तो क्लोरोफिल का महत्व सूर्य प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करके वायु के कार्बन डाइऑक्साइड से पौधों के शर्कराओं का, ठीक है, पॉली शर्कराओं तथा अन्य जटिल कार्बनिक यौगिकों को सृजन करता है। जो हमारा क्लोरोफिल होता है वो मतलब क्लोरोफिल के मतलब सूर्य के प्रकाश, ठीक है, सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा को अवशोषित करता है। ठीक, क्लोरोफिल क्या करता है, सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा को अवशोषित करता है और वायु के कार्बन डाइऑक्साइड के पौधों में शर्कराओं, पॉली शर्कराओं तथा अन्य जटिल कार्बनिक यौगिकों को सृजन या मतलब एब्जॉर्ब करता है। यह स्वयं भी सूर्य के प्रकाश द्वारा ही बनता है। जो हमारा क्लोरोफिल होता है वो सूर्य के प्रकाश से ही क्लोरोफिल बनता है और बहुत समय से इसके संगठन के संबंध में हमारा ज्ञान जो है, ठीक है, वो अधूरा था। लेकिन एक वैज्ञानिक थे, विल स्टेटर नामक जर्मन रसायन ने 1911 ईस्वी में
1911 ईस्वी में इस वर्णक को शुद्ध रूप से पृथक किया था। किसने किया था? विल्स टेटर, ठीक है, विल्स टेटर नामक वैज्ञानिक ने 1911 ईस्वी में वर्णक को शुद्ध रूप से पृथक किया था और इसके विघटित अवयव के संगठन का अध्ययन करके इसका अस्थायी रासायनिक सूत्र निर्धारित किया था। ठीक, क्लोरोफिल को पूर्ण रूप से इन्होंने शुद्ध किया था, मतलब पृथक किया था, ठीक है, और उसके बाद इनका अध्ययन करके इनका एक रासायनिक फार्मूला या सूत्र निकाला था। उन्होंने यह भी पता लगाया था कि क्लोरोफिल दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, किसने पता लगाया था? विल्स टेटर नामक वैज्ञानिक ने 1911 में ईस्वी में यह पता भी लगाया था कि क्लोरोफिल जो हमारा होता है वो दो प्रकार का होता है। एक को उन्होंने क्लोरोफिल अल्फा, दूसरे को क्लोरोफिल ए, दूसरे को क्लोरोफिल बीटा। मतलब कि एक को क्लोरोफिल अल्फा या क्लोरोफिल ए बोला और दूसरे को क्लोरोफिल बीटा या क्लोरोफिल बी बोला। ओके, तो इस तरीके से हमारा क्लोरोफिल जो होता है वो दो प्रकार का होता है। ठीक, ये दोनों 3:1 के पत्तों में पाए जाते हैं। जो 3:1 के पत्तों में पाए जाते हैं, हरे पत्तों के 1000 भाग में दो भाग क्लोरोफिल ए के और 3/4 क्लोरोफिल बी का भाग जैंथोफिल और 1/6 कैरोटीन का रहता है। जो हमारा पेड़ पौधों का पत्ता होता है उसके इस तरीके से भाग में बटे हुए होते हैं। फिर से देख लीजिए, जो हमारा क्लोरोफिल होता है, मतलब कि जो हमारे पत्ते होते हैं, ये दोनों 3:1 कितने गाइस 3:1 में पत्तों में पाए जाते हैं और हरे पत्तों में ये 1000 भाग में 2 क्लोरो ए के पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए के पाए जाते हैं और 3/4 क्लोरो बी का भाग है जो जैंथोफिल और 1/6 कैरोटीन का रहता है। ठीक है, यह होता है कैरोटीन। ओके, चलिए आगे देखते हैं। जो हमारे हरे पत्ते होते हैं या हरे पौधे होते हैं, ये सूखे पत्तों के चूड़ से 85% एल्कोहल या 80% एसीटोन विनायक द्वारा क्लोरोफिल का निष्कर्ष निकाला जाता है। सूखे चूड़ के लगभग 2 किलोग्राम के प्रायः 13 ग्राम क्लोरोफिल प्राप्त होता है। ठीक, जो हमारा हरे पत्ते या सूखे पत्ते का चूड़ होता है उसका 85%, ठीक है, कितना गई 85% एल्कोहल या 80% एसीटोन विलायक द्वारा क्लोरोफिल का निष्कासन निकाला जाता है। सूखे चूड़ के लगभग 2 किलोग्राम से 13 ग्राम क्लोरोफिल निकल जाता है। ठीक है, मतलब कि 2 ग्राम चूड़ से 13 ग्राम क्लोरोफिल प्राप्त करते हैं। लेकिन क्लोरोफिल एक कुछ नीलापन के लिए, नीलापन हरे रंग का होता है, मतलब कि पूर्ण रूप से हरा नहीं होता। जो क्लोरोफिल ए मतलब कि होता है वो नीलापन लिए हरे रंग का होता है और क्लोरोफिल बी कुछ पीलापन के लिए हरे रंग का होता है। ठीक है, क्लोरो ए होता है, जो क्लोरोफिल ए होता है वो नीलापन के लिए हरे होता है और क्लोरोफिल बी होता है वो पीलापन के लिए हरा होता है। दोनों के संगठन में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। एक में जहाँ मेथिल मूलक है और दूसरे में उसके स्थान में एल्डिहाइड मूलक है। ठीक है, ए में हमारा मेथिल मूलक है और बी में हमारा एल्डिहाइड मूलक है। इसमें दोनों का ऑक्सीकरण क्रिया में अंतर आ जाता है। ठीक है, आ सकता है। और जो हमारा अल्फा क्लोरोफिल का विशिष्ट गुणन -262 और बीटा का 267 होता है। ओके, तो ज़्यादा डिफरेंट नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत है। ओके, आगे चलिए देख लेते हैं
कि जो हमारा क्लोरोफिल है, ठीक है, क्लोरोफिल ए का आणविक सूत्र होता है C55H72 और Mg, मतलब मैग्नीशियम, ठीक है। बी का जो होता है वो C55H70O6N4Mg, तो थोड़ा वो डिफरेंट है, ठीक है, कुछ एक दो चार्ज के। क्लोरोफिल में 2.6 मैग्नीशियम रहता है तथा लोहा या फास्फोरस नहीं होता है, ठीक है। हमारे क्लोरोफिल में 2.6 मैग्नीशियम रहता है और इसके जल विश्लेषण में मेथिल एल्कोहल और फिटोल एल्कोहल, इसका सूत्र होता है C20H400, तथा 8-5-rol केंद्रक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इसके मेथिल एल्कोहल और फिटोल एल्कोहल C20H400 तथा 8-5-rol केंद्रक पाए जाते हैं। ओके, आगे देखते हैं। चलिए, क्लोरोफिल जो हमारा होता है वो हीमोग्लोबिन से बहुत कुछ समानता रखता है। हीमोग्लोबिन मानव तथा अन्य प्राणियों के रक्त का आवश्यक अवयव है। इसमें कुछ अंतर भी है। क्लोरोफिल मोम सा पदार्थ है और हीमोग्लोबिन हीम और ग्लोबिन का आणविक है। ये आप सभी को पता है कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो हीम और ग्लोबिन का आणविक होता है। और हीमोग्लोबिन होता क्या है गाइस? हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा ब्लड का रंग रेड होता है, ठीक है। यौगिक क्लोरोफिल वस्तुतः एस्टर प्रकार का यौगिक है। क्लोरोफिल एस्टर प्रकार का यौगिक है जिसमें मेथिल और फिटोल एल्कोहल संयुक्त होते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। क्लोरोफिल के जल विश्लेषण से मेथिल और फिटोल एल्कोहलों के साथ ऑक्सीलिक, क्या करते हैं, कार्बोऑक्सीलिक अम्लों के लवण प्राप्त होते हैं जिन्हें क्लोरो, क्या बोलते हैं, फ्लीन बोलते हैं। जो क्लोरोफिल के जल विश्लेषण से मिथिल और फिटोल एल्कोहल के साथ कार्बोक्सिलिक अम्लों का लवण प्राप्त करते हैं उन्हें क्लोरोफ्लीन कहते हैं। यहाँ पे गाइस क्वेश्चन को बहुत ही नोटेड करिएगा, बहुत समझिएगा कि कहाँ से हमारा क्वेश्चन बन रहा है, किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। क्लोरोफ्लीन में अब भी मैग्नीशियम रहता है जिसके कारण उसका रंग हरा होता है, ठीक है। यदि क्लोरोफिल का जल विश्लेषण क्लोरोफिलेज नामक एंजाइम में किया जाए तो उत्पाद प्राप्त होता है, उसे क्लोरोफिलाइट कहते हैं। क्लोरोफिलाइट सूक्ष्म क्रिस्टली पदार्थ है जबकि क्लोरोफिल अक्रिस्टली होता है। अम्लों के उपचार से मैग्नीशियम निकल जाता है और अब तो उत्पाद प्राप्त होता है। जब क्लोरोफिल से मैग्नीशियम निकल जाता है तो उत्पाद प्राप्त होता है जिसे पारफ्रीन कहते हैं। क्या कहते हैं? पारफ्रीन कहते हैं। पारफ्रीन में अम्ल और क्षार दोनों के गुण होते हैं। विभिन्न अवस्था में विभिन्न अभिकर्मकों के उपचार से क्लोरोफिल से अनेक उत्पाद प्राप्त होते हैं जिनमें पता लगाया गया है कि क्लोरोफिल में पायरोल केंद्रक, क्या, क्लोरोफिल में पायरोल केंद्रक रहते हैं। इन उत्पादों के संगठन के आधार पर क्लोरोफिल के फिशर ने एक रासायनिक सूत्र 1939 में दिया था। किसने दिया था? फिशर ने एक रासायनिक सूत्र 1939 में दिया था। तो इस तरीके से हमारा क्लोरोफिल है, ठीक है। देखिए गाइस, क्लोरोफिल जो हमारा होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। ये हमारे पेड़ के पत्तियों में पाया जाता है जिसकी वजह से इसका रंग हरा होता है। एंड क्लोरोफिल जो हमारा होता है, ठीक है, जैसा कि बहुत से पेड़ पौधे पीले होते हैं, ठीक है, तो उसमें क्लोरोफिल की मात्रा कम होती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि क्लोरोफिल दो प्रकार के होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा, ठीक है, मतलब एक ए और एक बी, है ना। तो जो ए वाले होते हैं वो हरापन लाते हैं, ठीक है, सॉरी हरापन से नीलापन,
और एक होते हैं जो पीलापन वाले क्लोरोफिल होते हैं, तो वो क्लोरो मतलब कि वो बीटा वाले क्लोरोफिल हमारे पत्तियों में पाया जाता है, जिसके कारण से हमारा पत्ती पीला भी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्लोरोफिल का यूज होता है। और क्लोरोफिल क्या है मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। ठीक है, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेड़ की पत्ती का रंग हरा क्यों होता है, क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल कितने प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, अल्फा क्लोरोफिल एंड बीटा क्लोरोफिल, या ए क्लोरोफिल या बी क्लोरोफिल। ठीक है, एंड क्लोरोफिल जो होते हैं, ठीक है, उनका यूज क्या होता है, पत्तियों का रंग का हरा करना। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन क्लोरोफिल में पूछे जाते हैं। तो अगर आपने पूरा एक एक चीज़ को नोटेड किया होगा तो आपने देखा होगा कि बीच बीच में बहुत सारे खोजकर्ता थे। ठीक है, उन वैज्ञानिकों के नाम बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे।